हाय गाइज, आई एम प्रथम शौकीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। भाई मैं भी बढ़िया। आज जो ड्रैग रेस होने वाली है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग ड्रैग रेस होने वाली है, क्योंकि दोनों गाड़ियों में ही भाई फिएट का जो डीजल इंजन है वो सेम इंजन है, सेम पावर है, सेम टॉर्क है। 170 bhp 170 bhp, 350 Nm टॉर्क 350 Nm टॉर्क। ये भाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, ह्युंडई से टाटा लेता है भाई टॉर्क कन्वर्टर, तो इसमें टॉर्क कन्वर्टर है और इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन है। दोनों में 2 लीटर का डीजल इंजन है, फिएट का ही सेम इंजन है और वेट भी जो रहने वाला है लगभग सेम रहने वाला है, तो बहुत मज़ा आएगा। बस थोड़ी एडवांटेज जीप कंपास को रहेगी भाई मैनुअल होने की, लेकिन उसमें सॉफ्ट लिमिटर आता है तो अच्छे से इतना एग्रेसिवली लॉन्च नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी भाई टॉर्क कन्वर्टर से तो फास्ट शिफ्टिंग, मैनुअल शिफ्टिंग कर सकते हैं, DSG तो है नहीं, तो देखते क्या रहता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट राउंड, अमेरिकन वर्सेज इंडियन स्पोर्ट्स मोड। इसमें तो मैं मोड आता नहीं, फुल पोटेंशियल के साथ चलेगी। और ट्रैक्शन ऑफ कर लेना अपना, ट्रैक्शन ऑफ ऑटोमेटिक ऑन है भाई इसके अंदर। ओके, हां स्पोर्ट्स मोड में इसका ऑन ही रहता है। तो एसी भाई, एसी ऑफ कर रहे हैं, हाँ ठंड बहुत ज्यादा हो गई है दोबारा से, बीच में गर्मी हो गई थी तो हमने ड्रैग एसी ऑन करके स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अब फिर एसी ऑफ भाई, ये ठंड इतनी है क्या करें। राउंड वन कर रहे गाइस, 3 2 1। वो दोनों गाड़ी सेम उठी है। अरे मेरा लज गया भाई यार, रेस में लज रहा है मेरा ऐसे गियर। रोक लो आ देंगे। चलो जी दोबारा से राउंड वन भाई, गियर अटक गया था। 3 2 1। का लॉन्च अच्छा नहीं हुआ और चलो जी जीत गए हम, ब्रेक ले लेते हैं 130 पे। हाँ लॉन्च लेट हुआ, चलो अब सही करना। ओके सेकंड राउंड करते हैं, सेम सेटिंग्स हैं भाई, आई होप इस बार गियर नाट के। 3 2 1। इस बार भी हल्का सा डिले है भाई, भाई क्लियर भी ना रहेगा बस भाई। एक बार ऐसा करो आप लोग ड्राइवर इंटरचेंज करो। हाँ ऐसा कर लेते हैं, अभिषेक कंपास चला लेगा, ये सही चला लेगा, लॉन्च करना उसको। आप हैरियर चलाओ और अभिषेक चला लेगा कंपास। लो जी दो राउंड की मुकद्दर की सिकंदर तो यही है। हैं मैनुअल है ना, ये पावर तो सेम ही है, वेट भी लगभग सेम है, लॉन्च एटलीस्ट बढ़िया हो जाएगा। सो गाइज अब मैं चलाऊंगा हैरियर को और देखते हैं भाई इसको जिताने की कोशिश करते हैं। हाँ तो भाई अपनी गाड़ी चलाएंगे प्रथम भाई। ओए होए फील तो इसमें आई वैसे बैठ के डार्क एडिशन में है ना, उसमें फील नहीं आ रही यार, सारा सिटिंग का ही फर्क है। हाँ। इतनी चौड़ी है ना कि बंदा आराम से बैठ जाए, फील आई इसमें कसम से बैठते ही। प्रथम भाई चला रहे अपनी गाड़ी। 3 2 1। भाई बहुत लैग आया इसमें। नहीं भाई, अरे नहीं 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 भाई, हैंड ब्रेक ऊपर रह गया अपना भाई, मैं भी कहूं इतना लैग क्या हो रहा भाई, आज क्या ही कर रहा हूँ मैं। हैंड ब्रेक रह गई थी ऊपर भाई से, इस वजह से ये उठी भाई। हैंड ब्रेक अलग है ना इसका, ध्यान नहीं गया। उसमें इलेक्ट्रिक है मेरी वर्टस में, मैनुअल है सीधे वाला, इसमें ऐसे ये हवाई जहाज वाला है। चलो जी थर्ड राउंड है। 3 2 1। अब तो सही उठी भाई, आ रही है कंपास बराबर चल रही है भाई। भाई थोड़ी देर तक तो आगे रही, लेकिन अब फिर कंपास भाई आगे जाती जा रही है, आगे जा रही है भाई। भाई टॉर्क कन्वर्टर स्लो है, कुछ ज्यादा ही स्लो है। पता क्या दिक्कत है, इसका ट्रैक्शन ऑन रहता है। हाँ फुल पावर देता ही नहीं है चक्कर में। टाटा ने ये पता नहीं क्यों कर रखा अपनी सारी गाड़ियों में ना, कंपास भाग रही है भाई, लेकिन फील इसमें बैठने की सही बताऊं। मैंने एक चीज़ और नोट करी, इसका पावर बैंड कम है उससे, और बेशक ह्युंडई से ले तो लिया है टाटा ने ये टॉर्क कन्वर्टर, लेकिन ट्यूनिंग का तो टाटा ने की होगी तो फर्क है काफी, बहुत स्लो है ये टॉर्क कन्वर्टर। लेते एक हाँ फाइनल राउंड है, आपका ट्रैक्शन ऑन हो रहा है तो ऑन कर लो एक बार। नहीं हो रहा, हाँ उसमें प्रॉब्लम है, इसके अंदर ऑन है, ऑटोमेटिक दिक्कत ये भी है। इसको हम ड्राइव मोड में करके देखें, सिटी मोड भाई इसका फिर टॉर्क और कम हो जाएगा, उसमें ट्रैक्शन ऑफ करके देखते हैं। ट्रैक्शन ऑफ हो जाएगा, हाँ। सिटी मोड कर लो तो यहाँ से होगा ना चेंज। हाँ। तो भाई सिटी मोड हमने लगा लिया है, ट्रैक्शन ऑफ है, ट्रैक्शन ऑफ कर लिया है ESP। चलो जी अब करके देखते हैं,
सिटी मोड में ट्रैक्शन ऑफ, एसी ऑफ। चलो जी 1 2 3 कर दो। 3 2 1 चलती है। स्पोर्ट्स मोड नहीं लगता क्या इसमें? मैंने कोशिश करी लगाने की। स्पोर्ट ड्राइव मोड। हाँ अब लग गया। नहीं भाई नहीं जीत सकती। कंपास फास्ट है इससे बहुत। सेम इंजन होने के बाद भी सिर्फ गियर बॉक्स की वजह से बहुत ज्यादा फास्ट है कंपास। कम से कम 2 गाड़ियों का गैप है। सो गाइस जैसा कि आपने देखा कि भाई हैरियर नहीं जीत पाती है और भाई टॉर्क कन्वर्टर काफ़ी स्लो लगा मेरे को हैरियर का, तो भाई कंपास ही विनर रहती। अगर फ्यूचर में हमें कंपास मिली ऑटोमेटिक तो उसके साथ करके देखेंगे, फिर देखते हैं भाई कि क्या रहेगा। ये थोड़ा सा अनफेयर हो गया क्योंकि वो मैनुअल है, उसको शिफ्टिंग का फ़ायदा हो ही रहा है। तो यही थी वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। कंपास लवर और टाटा हैरियर के तो भाई इतने सारे लवर हैं ना डार्क एडिशन के, तो कमेंट ज़रूर करना भाई वीडियो पसंद आई हो तो। और इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी स्क्रीन पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू गाइज़।